हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आ गए हैं रोहतास जिला, जहां पर एक सासाराम शहर है, वहां पर सासाराम का मकबरा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सासाराम से सासुरी का मकबरा दिखाएंगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम सासाराम के मकबरा के पास आ गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहां पर टिकट लगाना पड़ता है, तो चलिए आपको हम टिकट घर दिखाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम टिकट घर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं टिकट घर है। तो फ्रेंड्स, हम टिकट घर की ओर जा रहे हैं, आप देखिए यहाँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये टिकट घर है। टिकट घर में हमें अभी टिकट कटाएंगे, आपको हम दिखाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर्यटक भाई लोग टिकट कटा रहे हैं। तो पहले ही हम यहाँ टिकट कटा चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि टिकट का चार्ज ओनली 25 रुपया है। तो फ्रेंड्स, टिकट देख लीजिए। तो भैया, आप लोग यहाँ देख लीजिए, थोड़ा पहले से यहाँ पर्यटक भाई आए हैं। चलिए उनसे अंदर में मिलेंगे और आपको मकबरा शेर शाह सूरी का मकबरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये शेर शाह मकबरा के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले बाहर का नज़ारा है। तो दोस्तों, आप सभी थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये स्टाफ है यहाँ पर। आप जैसे ही प्रवेश कीजिएगा शेर शाह का मकबरा, तो यहाँ पर आपका टिकट चेकिंग होगा। तो देखिए दोस्तों, टिकट चेकिंग हो गया है और फाइनली हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, मकबरा के समीप पहुँचने से पहले आप दूर से थोड़ा सा झलक शेर शाह सूरी का मकबरा देख लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, जो कि झीलों के बीचों बीच है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। और दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कब्र है, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते किसका कब्र है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितना खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आज शेर शाह सूरी का मकबरा दिखाते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, भारत विविधता वाला देश है और विभिन्न संस्कृतियाँ इसकी खूबसूरती को बखूबी बयां करती है। इस देश में कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुगलों द्वारा बनवाए गए मकबरों में से एक खास मकबरा शेर शाह सूरी का मकबरा आपको दिखाएंगे और कुछ जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह शेर शाह सूरी का मकबरा है जो बेहद खास है। यहाँ पर हजारों लोग इस खूबसूरती को निहारने आते रहते हैं। यह देखने में ना सिर्फ बड़ा है, बल्कि खूबसूरती ऐसी है कि इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं शेर शाह सूरी के मकबरे के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे शेर शाह सूरी मकबरा का मुख्य प्रवेश द्वार है। हम इसी के अंदर जाएंगे और आपको बहुत सारी दोस्तों हम फाइनली शेर शाह सूरी मकबरा के समीप आ चुके हैं। अगर दोस्तों इसकी खूबसूरती के साथ वास्तुकला की बात करें, तो यह मकबरा 3 मंजिला बना हुआ है और यह ऊपर से कुंगरे द्वार मुंडे से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर हम इस मकबरे की ऊंचाई की बात करें, तो इस मकबरे की ऊंचाई चबूतरे के ऊपर से कुल 120 फीट है और पानी से इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। तो दोस्तों, आपको ढेर सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेर शाह सूरी मकबरा के बारे में दिखाएंगे और साथ ही खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ जानकारी शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वही शेर शाह सूरी जिसने सन 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पूरा हिंदुस्तान पर लगभग 5 साल तक राज किया था और सूर्यवंश की स्थापना भी किया था। दोस्तों, शेर शाह सूरी एक पठान योद्धा भी था, यानी वह पठान खानदान से ताल्लुक भी रखता था और मुगलों का बादशाह भी था। दोस्तों, कहा जाता है कि अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बिहार में शेर शाह सूरी नाम से एक मकबरा बनवाया था, जिसका वास्तुकार बनाने वाला
अलीवाल खान है। दोस्तों, अलीवाल खान ने लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे का निर्माण किया था। यह मकबरा भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित किया गया है जो झीलों के बीचों बीच स्थित है। इस मकबरे की यही खूबसूरती लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है और इसलिए लोग दूर दूर से इस मकबरे को देखने आते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है। यहां आने के लिए आपको सासाराम रेलवे जंक्शन उतरना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कितने पर्यटक घूमने के लिए आए हैं, इस मकबरे का खूबसूरती को निहारने के लिए आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मुख्य शेरशाह सूरी मकबरा के समीप जाते हैं और आपको शेरशाह का मकबरा दिखाते हैं। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह शेरशाह सूरी मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके अंदर हम आ चुके हैं। दोस्तों, कुछ जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य ने भारत के मुस्लिम लोगों को कब्रों के निर्माण शैली से परिचित भी कराया था, इसलिए मुगल साम्राज्य में बनाए गए तमाम मकबरे में कब्रें भी बनाई गई है। इस मकबरे के भीतर भी लगभग 24 कब्रें हैं और बादशाह शेरशाह सूरी का कब्र इसी मकबरा के बीच में है। इतिहास के अनुसार कालिंजर से बादशाह के शव को लाकर मकबरे के ठीक बीच में दफनाया गया था, तभी से लेकर आज तक वहाँ बादशाह की कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी कब्र के आसपास इसके करीबी अधिकारियों और परिवारों के सभी सदस्यों का कब्र मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर ये इमारतें देखने में लग रहा है। बहुत ही काफ़ी ऊंचा है और बहुत ही बड़ा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी ने यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा देखा और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भाई भी घूमने के लिए आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। तो जैसा कि हमारे पीछे बहुत सारे पर्यटक भाई हैं, तो धीरे धीरे हम पर्यटक भाई के पास जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पर्यटक भाई कहाँ से आए हैं। तो पहला भाई, आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। आपका नाम क्या हुआ? बदाम। तो बहुत दूर दूर से यहाँ आए, तो चलिए अगले पर्यटक से मिलते हैं। भैया, आप बताएं कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद से। आपका नाम क्या हुआ? कौन डिस्ट्रिक्ट से आए? जहानाबाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भाई बहुत ही दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यह प्रसिद्ध जगह है और इसका इतिहास तो आपको हम बता ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।